नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजू रंजन और आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस एनालिसिस, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। फ्रांस के डेसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित रफाल दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स में से एक है। ये एयरक्राफ्ट 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन है। रफाल फाइटर जेट्स को अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रोल के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि एयर सुप्रीमेसी, ग्राउंड अटैक और जासूसी। रफाल फाइटर जेट्स का लैंड और नेवल वर्जन भी मौजूद है और ये इंडिया के बेस्ट फाइटर जेट्स में से एक है। वहीं चेंडू J20 एक फिफ्थ जनरेशन का सिंगल पायलट ट्विन जेट ऑल वेदर स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, जिसे डिज़ाइन किया गया है एयर सुप्रीमेसी के लिए। हालांकि सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इस प्लेन के स्टील्थ फीचर्स को लेकर ही है। ये प्लेन तो कहने को चाइना ने बनाया है, लेकिन इसका डिज़ाइन USA के F-22 से कॉपी किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ब्लेम USA ने चाइना पर खुद लगाया है। दोस्तों, 2009 में UAE के अंदर एयरफोर्स की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी, जिसमें F-22 रैप्टर और रफाल दोनों ने ही हिस्सा लिया था। उस एक्सरसाइज में एक डॉग फाइट के दौरान रफाल ने बहुत ही आसानी से F-22 को लॉक करके मिसाइल दाग भी दिया था। ये एक रियल मिसाइल नहीं था, ये तो बस एक सिमुलेशन था। यहाँ से आपके समझ में आ गया होगा कि रफाल क्या चीज़ है। फिर भी एक बार हम रफाल सी और J20B के फीचर्स को कंपेयर करके देखते हैं कि बेहतर कौन है। J20 को पहली बार 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था PLAF यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में। वहीं इसकी संख्या करीबन 50 की थी PLAF में 2019 तक। इसके एक यूनिट का कॉस्ट 100 से 110 मिलियन डॉलर का है। एक पायलट से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ वेट 40 टन का है। वहीं इसमें इस्तेमाल होने वाले रशियन मेड सैटर्न AL-31F के टर्बो ड्यूअल इंजन कुल 30 टन का थ्रस्ट पैदा करते हैं। ये सेम इंजन रसिया के सुखोई 27, 30 और 35 में इस्तेमाल होता है। एक रशियन इंजन की ऊर्जा से चलने वाले इस फाइटर जेट की मैक्सिमम स्पीड 2470 किलोमीटर पर आवर है। हालांकि इन फ्यूचर चाइना इसमें दूसरे इंजनों को लगाएगा, जो कि फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है। वहीं इस फाइटर जेट का मैक्सिमम रेंज 6000 किलोमीटर होने के साथ साथ इसका कॉम्बैट रेडियस 2000 किलोमीटर का है। हालांकि इसके क्लाइंब रेट की जानकारी को क्लासिफाइड रखा गया है। वहीं इस एयरक्राफ्ट को हवा में 66000 फीट तक ऊपर उड़ाया जा सकता है। इतनी ऊंचाई पर यह पूरी तरह से फुल्ली ऑपरेशनल रहता है या नहीं, ये बात चाइना को ही पता है। वहीं दूसरी तरफ अगर रफाल सी की बात करें तो इस फाइटर जेट को फ्रांस के डेसॉल्ट एविएशन ने बनाया है और इसे फ्रेंच एयरफोर्स में 2001 में शामिल किया गया था। उसके बाद से 570 से भी ज़्यादा विमान फ्रेंच एयरफोर्स के पास है। वहीं इंडियन एयरफोर्स के पास 8 रफाल जेट्स हैं, जिनकी संख्या अप्रैल तक 16 हो जाएगी और 2023 तक हमें 36 रफाल की डिलीवरी कंप्लीट कर दी जाएगी। इसके एक यूनिट का कॉस्ट 78 मिलियन डॉलर है। एक पायलट से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ वेट 26 टन का है। वहीं इसमें लगा लाजवाब इंजन की बात करें तो दोनों इंजन का कंबाइन थ्रस्ट 17 टन का है। इस ताकतवर इंजन की मदद से ये एयरक्राफ्ट 2,223 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर सकता है। 3,700 किलोमीटर के मैक्सिमम रेंज के साथ साथ इसका कॉम्बैट रेंज 1,851 किलोमीटर तक है। J20 की तरह इस फाइटर जेट के क्लाइंब रेट को भी क्लासिफाइड रखा गया है। वहीं इस एयरक्राफ्ट को हवा में 50,000 फीट तक ऊपर उड़ाया जा सकता है और इतनी ऊंचाई पर भी ये पूरी तरह से फुल्ली ऑपरेशनल रहता है। J20 में एक कमज़ोर इंजन होने के कारण इसके सुपरसोनिक एबिलिटी और मैनेवरेबिलिटी रफाल की तुलना में बहुत ही कम है। वहीं रफाल इस कैटेगरी में J20 से आगे निकलते हुए 9G मैनेवरेबिलिटी की क्षमता के साथ हाई एंगल ऑफ अटैक जैसी कैपेबिलिटीज इसे J20 से सुपीरियर बनाती है। रफाल में लगे कैनार्ड विंग्स इसे एरोडायनामिकली स्टेबल रखने के साथ साथ शार्प टर्न और फाइटर प्लेन्स को डॉज करने में इसे बेहतरीन बनाते हैं। इतना ही नहीं, रफाल का एक्सेलरेशन भी J20 से ज़्यादा है। हाइपोथेटिकली अगर रफाल और J20 के बीच में डॉग फाइट हुआ तो रफाल को बहुत ही बड़ा एज मिलेगा J20 के ऊपर। J20 को स्टेल्थी बनाने के लिए इसमें रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल के साथ साथ इसके डिज़ाइन के ओवरऑल क्रॉस सेक्शन को लो रखा गया है। हालांकि ये क्लेम काफ़ी हद तक सही नहीं है, क्योंकि इसमें लगे कैनार्ड्स इसके ओवरऑल क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देते हैं और इसे तो ये स्टेल्थी नहीं रह पाता है। वहीं इसके F-22 जैसे डिज़ाइन के कारण इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी F-22 से मिलता जुलता है।
हालांकि इस फाइटर प्लेन के रडार क्रॉस सेक्शन को क्लासिफाइड रखा गया है चाइना द्वारा, राफेल को अपने एडवांस AESA रडार की मदद से इस जेट के लोकेशन का पता लगाने और इसके साथ इसे लॉक करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और आसानी से राफेल J-20 को मेटियोर्स मिसाइल से मार गिराने में सक्षम है। 2018 में अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के आसपास Sukhoi-30 ने चाइना के J-20 को उड़ते समय डिटेक्ट कर लिया था। ये कहना था तब के एयर चीफ बिजेंद्र सिंह धनोआ का, क्लियर है कि J-20 का स्टील्थ फीचर बस एक प्रोपोगंडा है चीन का। वहीं अगर हम राफेल की बात करें तो ये एक स्टील्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, इसका रडार क्रॉस सेक्शन 0.5 मीटर स्क्वायर से 2 मीटर स्क्वायर तक का है। राफेल के भी डिज़ाइन को स्टील्थ बनाने के लिए कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल इसमें भरपूर किया गया है। इस जेट का 70% मटेरियल को कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है। वहीं छोटे एयर इनलेट्स के साथ साथ छोटे टेल फैन की मदद से इसके क्रॉस सेक्शन को छोटा रखा गया है। लेकिन एक फीचर ऐसा है राफेल में जो इसे कम स्टील्थी होने के बावजूद इसे अपने कैटेगरी में बेस्ट बनाता है, वो है इसमें लगा स्पेक्ट्रा, जो कि एक मिसाइल जैमिंग टेक्निक है। दोस्तों, स्पेक्ट्रा राफेल को लॉन्ग रेंज थ्रेट डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड एक्यूरेट लोकलाइजेशन ऑफ इंफ्रारेड होमिंग, रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड लेजर थ्रेट जैसे टेक्नोलॉजी से इस फाइटर जेट को और घातक बनाता है। उसके अलावा स्पेक्ट्रा की मदद से रडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग एंड मिसाइल अप्रोच वार्निंग फॉर थ्रेट डिटेक्शन के साथ फेज्ड एरे रडार जैमर और डिक्वाइड डिस्पेंसर जैसे एडवांस फीचर के साथ ये किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। एक अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि राफेल के पूरे कॉस्ट का 30% हिस्सा बस स्पेक्ट्रा में लगा है। स्टेल्थ कैटेगरी में राफेल J-20 से कहीं आगे है। J-20 के रडार की डिटेल्स को क्लासिफाइड रखा गया है चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड AESA रडार लगाया गया होगा। चाइना ये भी क्लेम करता है कि इस प्लेन में सैटेलाइट लिंक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। यही नहीं, इस फाइटर जेट में लगे 6 ऑप्टिक सेंसर की मदद से ये पूरे बैटल फील्ड का 360 व्यू LCD स्क्रीन पर पायलट को दिखा सकता है। वहीं राफेल की बात करें तो इसमें लगा पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड मल्टी मोड रडार को अलग अलग तरह के सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए बनाया गया है। इसमें लगे रडार टारगेट्स की पहचान पहले ही कर लेते हैं, जिसके कारण इसे एक एडवांटेज मिलता है अपने एनिमी के ऊपर। इसमें लगे रडार की मदद से 144 किलोमीटर तक टारगेट को लॉक किया जा सकता है। इसके रडार प्रोजेक्ट करते हैं रियल टाइम 3D मैप पहाड़ों के बीच से निकलने के लिए। वहीं हाई रिजोल्यूशन ग्राउंड मैप पायलट की मदद करते हैं नेविगेशन और टारगेट को लॉक करने में। एयर सुप्रीमेसी के लिए इस एयरक्राफ्ट में बहुत से सेंसर लगाए गए हैं। इसके फ्रंट सेक्टर में लगे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की मदद से इंफ्रारेड मिसाइल दागा जा सकता है बियॉन्ड विजुअल रेंज डिस्टेंस के लिए। दोनों ही एयरक्राफ्ट में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और शॉर्ट रेंज मिसाइल लगाया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार J-20 में एक इंटरनल वेपन बे में 4 हार्ड पॉइंट है और 4 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट होते हैं, जिसमें एयर टू एयर, एयर टू सी, शॉर्ट रेंज गाइडेड मिसाइल और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल शामिल है। इसके अलावा इसमें कैनन्स नहीं होते हैं, क्योंकि इसे डॉग फाइट के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। J-20 में PL-15 जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगे हुए हैं, जिसका रेंज 300 किलोमीटर का है और ये मिसाइल स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को टारगेट करने के लिए, ना कि छोटे और फास्ट मूव करने वाले जेट्स के लिए। J-20 न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है। वहीं राफेल 9.5 टन के वेपन पेलोड को कैरी कर सकता है। इसमें कुल 14 मिसाइल्स को एक साथ लगाया जा सकता है, जिसमें एयर टू एयर, एयर टू सी, शॉर्ट रेंज गाइडेड मिसाइल्स और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स शामिल हैं। स्ट्रेटजिक मिशन में ये फाइटर जेट न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी कैरी कर सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट में ट्विन गन पॉड्स हैं, जो कि 30 mm की 2500 राउंड फायर कर सकते हैं पर मिनट। इसमें लेजर डेजिग्नेशन पॉड की मदद से एयर टू ग्राउंड मिसाइल को दागा जा सकता है। इस जेट की मदद से प्रिसीजन बॉम्ब्स को भी फायर कर सकते हैं, जिसे GPS और इंटरनल नेविगेशन के द्वारा टारगेट पर लॉक किया जा सकता है। वहीं राफेल में लगा मेटियोर्स मिसाइल का ऑपरेशनल रेंज 100 किलोमीटर है और 60 किलोमीटर के अंदर नो एस्केप जोन है, यानी कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी टारगेट लॉक हुआ तो वो इस मिसाइल को डॉज नहीं कर पाएगा। वहीं इस मिसाइल में यूज्ड रैमजेट प्रोपल्शन इंजन होने के कारण इस मिसाइल की स्पीड Mach 4 तक पहुंच जाती है और यही बात इसे काफ़ी डेडली बनाती है। दोनों ही फाइटर जेट्स अपने आप में एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है,
रफाल का एक इतिहास रहा है और इस फाइटर जेट ने अपनी काबिलियत को साबित किया है अलग अलग सिचुएशन में। वहीं J-20 के पास कोई भी बैटल फील्ड एक्सपीरियंस नहीं है। बैटल फील्ड में ये दो एयरक्राफ्ट आमने सामने हुए तो इसका क्या रिजल्ट होगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नए श्रोतागण सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल से जुड़ी नवीन जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाएं। साथ ही आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद। जय हिंद।